हेलो फ्रेंड, गिल्ड मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ते सोडा स्वागत है। ते पर रेडी अपने करंट अफेयर क्लास दे नाल। सब तो पहले सेशन नु शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स दे नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सेशन नु शेयर करना स्टार्ट कर दो। सेशन शुरू करन तो पहले डिफरेंट डिफरेंट बैचेस दे रिलेटेड आपां डिस्कस कर लेने हैं। कॉम्बो बैच स्टार्ट हो चुका है, वैलिडिटी टिल एग्जाम तक है, जिस दे विच लाइव क्लासेस और फ्री क्लास पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही। पीपीएससी एक्साइज इंस्पेक्टर दे लई, पीएसपीसीएल एग्जाम दे लई, फूड सप्लाई एग्जाम दे लई, कोऑपरेटिव बैंक ईटीटी और एनटीटी दे एग्जाम्स दे लई 200 मॉक टेस्ट भी अलग तो स्पेशली एग्जाम रिलेटेड डिजाइन किए गए ने। ठीक है जी, 20,000 एमसीक्यू टेस्ट फ्री दिता जाएगा और इस दे नाल बुक्स भी फ्री दिते जाएंगे। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करिए, पंजाब पुलिस दे लई स्पेशल बैच शुरू हो चुके हैं। 10,000 पोस्ट पंजाब पुलिस दी अलग तो डिक्लेयर की गई है, जिस दे विच लाइव क्लासेस और पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी इस बैच दे विच, और इस बैच नू रजिस्टर तुसी कर सकते हो थ्रू अवर एप्लीकेशन। एक्साइज इंस्पैक्टर दे लई भी बैच लॉन्च किया गया, 176 पोस्टा एक्साइज इंस्पैक्टर दियाँ जारी कीतियां गईयां ने, जिस दे तहत एक साल दी वैलिडिटी वाला कोर्स जारी किया गया है। इस दे अंडर भी लाइव बैच होएगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ सानू प्रोवाइड कीतियां जाएंगी। इस तो इलावा कोऑपरेटिव बैंक दे लई, कोऑपरेटिव बैंक दे लई भी स्पेशली एक बैच डिजाइन किया गया, जिस दे अंडर 100 टेस्ट सीरीज दित्तियां जाएंगियां। काफ़ी इंपोर्टेंट बैच रहेगा, स्पेशली जो एस्पायरेंट्स जो कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, सिमिलरली इस तरीके के अलग अलग बैचेस साड़ी एप्लीकेशन से सानू मिल जाएंगे। किसी भी बैच के विच अगर तुसी एनरोल करवाना चाहते हो, एनरोल करवा सकते हो। इस तो इलावा जो करंट अफेयर सैशन होंगे, करंट अफेयर सैशन अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहता है। किसी भी एग्जाम की चाहे तुसी तैयारी कर रहे हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है, चाहे एक्साइज का एग्जाम है, चाहे पीएसपीसीएल का है, चाहे पंजाब पुलिस का है, ठीक है, चाहे PSSSB का एग्जाम है, चाहे PPSC का कोई एग्जाम है। ठीक है, करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो स्टार्ट करांगे अपना करंट अफेयर सेशन। करंट अफेयर सेशन दे विच आपां की कुछ डिस्कस करते होंगे, सारी दी सारी चीज़ां सिमिलर तरीके नाल रिवाइज कराया करांगे। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा जदों तक थोड़े एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होंगे, डेली करंट अफेयर सेशन तुहाडे लई इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है जी, तो काइंडली सेशन नू शेयर कर दो जिथे भी शेयर कर सकते हो। किसी भी बैच नू एनरोल करवाना चाहते हो, एनरोल करवा सकते हो थ्रू अवर एप्लीकेशन। स्टार्ट करते हैं अज्जा सेशन। सेशन दे विच सब तो पहले डिस्कस करांगे उन्हां न्यूज़ नू जिन्हां नू कल दे सेशन दे विच ऑलरेडी आपां डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ सीगियां कल दे सेशन दे विच, इन्हां नू MCQ फॉर्म दे विच रिवाइज़ करांगे। उस तो बाद चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू। काफ़ी इंट्रस्टिंग न्यूज़ ने अज दे सेशन दे विच भी। अगर आपां गल करिए अवार्ड्स दे विचों, एक काफ़ी इंपोर्टेंट अवार्ड है, स्पोर्ट्स दे रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ है, डिटेल्ड फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। अपॉइंटमेंट्स भी ने, तो डिटेल सारी डिस्कस करांगे। स्टार्ट करते हैं सेशन। सेशन नू शेयर जरूर कर दो MCQ रिवीजन देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड हंगर डे 28th मई नू ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, इस तो इलावा इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वूमेन्स हेल्थ 28th मई नू, MNST इंटरनेशनल डे 28th मई नू। तीन इंपोर्टेंट डेज 28th मई नू आपां डिस्कस किते, वर्ल्ड हंगर डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वूमेन्स हेल्थ एंड MNST इंटरनेशनल डे। ठीक है जी, इस तो इलावा MNST इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है, लंडन दे विच। नेक्स्ट है, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का सूही जर्मनी दे विच ऑर्गेनाइज़ किया गया। इंडिया हैज़ वॉन टोटल 33 मेडल्स
इंडिया ने टोटल 33 मेडल जीते ने, जिस दे विच गोल्ड मेडल किन्ने ने, तो गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते सी 13, 13 गोल्ड मेडल जीते सी इंडिया ने। सिल्वर मेडल सिगे और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते गए सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा एट फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज किया गया, इस दे विच इंटरनेशनल अवार्ड देना एक बॉलीवुड एक्टर नू अवार्ड दिता गया है, सम्मानित किया गया है, नवाजुद्दीन सदीकी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड सेल ऑफ हाउ मच स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसनों बेचा जा रहा है, इस दे विच जो 29.5% स्टेक है सरकार दा, इसनों बेचन दी अनाउंसमेंट की गई। ठीक है जी। और CCEA द्वारा इसनों अप्रूवल दे दी गई। नेक्स्ट है, डीएमके पार्टी है जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, यह हाईएस्ट इनकम और एक्सपेंडिचर शो किता है, इसने हाईएस्ट इनकम और एक्सपेंडिचर शो किता है 31 रीजनल पार्टीज दे विचों, यह डाटा जारी किया गया। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्टेट दी पार्टी है, किस स्टेट दे विच यह एज ए रूलिंग पार्टी वर्क कर रही है। यह एज ए रूलिंग पार्टी तमिलनाडु तो बिलोंग करती है, तमिलनाडु तो वर्क कर रही है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर ने DMK पार्टी तो बिलोंग करते ने MK स्टालिन, जिन्हों का नाम है MK स्टालिन। ठीक है जी। नेक्स्ट है, शिवा थापा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। शिवा थापा किस खेल तो संबंधित ने, न्यूज़ दे विच रहे डायरेक्टली, कोई भी अगर स्पोर्ट्समैन न्यूज़ दे विच है, उसकी स्पोर्ट्स इंपोर्टेंट बनती है। ठीक है, जो फेमस नाम ने वो अपन ईजली याद हो जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जो घट फेमस नाम होंगे और अचानक न्यूज़ दे विच रहिंदा है, उसके बारे डायरेक्टली स्टैटिक दे विच क्वेश्चन इस तरीके नाल पूछ लिया जाता है। किस खेल तो बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं बॉक्सिंग तो। न्यूज़ दे विच क्यों सीगे, क्योंकि IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसीएशन दी जो कमेटी है इस दे विच यह इंडियन बॉक्सर ने इन्हानू मैंबर बनाया गया, इन्हानू इस कमेटी दे विच मैंबर बनाया गया। इसी दे नाल लोवलीना बोरगोहेन का नाम याद रखांगे, इस कमेटी दे चेयरमैन बनाए गए ने लोवलीना बोरगोहेन भी बॉक्सिंग तो बिलोंग करते ने। और स्टेट की गल करिए असम तो बिलोंग करते हैं, लोवलीना बोरगोहेन असम तो बिलोंग करते ने, ओलंपिक्स दे विच मेडल जीत चुके ने, इस करके भी यह नाम इंपोर्टेंट रहेगा। सारी डिटेल इतने लिखी हुई है। इस तो अलावा CEO प्रसार भारती दे शशि शेखर वेंपति द्वारा एशिया मीडिया समिट दे विच पार्टिसिपेट किया गया से। मोहिंदर के मीढ़ा फर्स्ट दलित फीमेल मेयर बनाए गए ने लंडन काउंसिल दे विच पहले दलित फीमेल मेयर कौन बनाए गए सी, मोहिंदर के मीढ़ा। नेक्स्ट है, इनॉग्रेटेड 125th एनिवर्सरी ऑफ सेलिब्रेशंस ऑफ लेट श्रीमती
लक्ष्मी बाई दगड़ू सेठ हलवाई दत्त टेंपल इन पुणे पुणे महाराष्ट्र दे विच पुणे महाराष्ट्र दे विच 125वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई लक्ष्मी बाई दगड़ू सेठ हलवाई लक्ष्मी बाई दगड़ू सेठ हलवाई दत्त टेंपल ये जो ट्रस्ट है पुणे दे विच है और इसकी जो एनिवर्सरी है ऑब्जर्व की गई किस द्वारा इनॉग्रेट की गई रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ठीक है जी। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा अनाउंस किया गया इंडिया विल बिकम ड्रोन हब लीडर 2030 तक इंडिया ड्रोन हब लीडर बन जाएगा जिसकी अनाउंसमेंट ड्रोन मेले दे विच कीती गई है जो कि प्रगति मैदान दिल्ली दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अनुप्रिया पटेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दे इना द्वारा इंडियन बिजनेस पोर्टल दिल्ली दे विच लॉन्च किया गया। रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंसमेंट की गई है जो कि अश्वनी वैष्णव देख रहे ने इना द्वारा पहली फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो चलाई जाएगी दिसंबर तक जिसका नाम होएगा गतिशक्ति जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा डेवलप की जा रही है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज टॉप्ड इन एजुकेशन सेक्टर एंड वॉन स्कॉच अवार्ड ऑफ गवर्नेंस अवार्ड इन एजुकेशन बेसिकली स्कॉच अवार्ड ने जो यह अनाउंस किए गए स्कॉच अवार्ड के विच एजुकेशन के रिलेटेड जो अवार्ड जीते हैं ये जीते वेस्ट बंगाल ने यह केड़ी स्टेट ने जीते है वेस्ट बंगाल ने जीते नेक्स्ट मंथ इसनू प्रोवाइड किया जाएगा। इस तो इलावा वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि एक बिल लिया जाएगा जिसके अनुसार चीफ मिनिस्टर नु चांसलर बनाया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर अपॉइंट किए जाएंगे चीफ मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ गवर्नर। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन ने नाम इंपॉर्टेंट बनेगा जगदीप धनकर। अ न्यू स्पीसीज़ ऑफ मंकी की एक नवी स्पीसीज़ पाई गई अरुणाचल प्रदेश के विच जिसका नाम माउंटेन के उत्ते सेला पास रखा गया। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ के बाद काफ़ी इंपोर्टेंट और इंट्रस्टिंग न्यूज़ ने अज के सैशन के विच जो आप डिस्कस करांगे। सब तो पहले सैशन में शेयर जरूर कर दो जिथे भी शेयर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट डेज़ के नाम। इंपोर्टेंट डेज दे विचों इंपोर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीसकीपर्स यूएन पीसकीपिंग फोर्स दे विच अगर आप गल करते हैं यूनाइटेड नेशंस द्वारा पीसकीपिंग फोर्स बनाई गई है उस पीसकीपिंग फोर्स दे विच सब तो ज़्यादा मैंबरस इंडिया दे सब तो ज़्यादा सोल्जर्स ने जो इंडिया दे ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस पीसकीपर्स दे लई एक दिन जो इंटरनेशनल लैवल ते ऑब्जर्व किया जाता है यह ऑब्जर्व किया गया 29 मई। इसकी थीम है पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स नेक्स्ट है मिमिकरिंग स्पाइडर आंट मिमिकरिंग स्पाइडर है डिस्कवर किया गया वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला दे विच। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दो तरीके नाल मनी स्पाइडर है ये कैड़ी इसकी नवी स्पीसीज़ है जो ये कितने डिस्कवर की गई
केरला दे विच कीती गई। दूसरा स्टैटिक क्वेश्चन वायनाड वाइल्डलाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्डलाइफ सेंचुरी कित्थे लोकेटेड है केरला दे विच। नेक्स्ट है BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, BCCI हैज एंटर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। IPL की गल करते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ के विचों सब तो इंपोर्टेंट न्यूज़ IPL। कई डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अलग अलग तरीके दे नाल IPL दे विचों एग्जाम्स दे विच पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो हर एक क्वेश्चन नू कोशिश करांगे डिस्कस करिए कि किस तरीके नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी पॉइंट अपना ना रहे इस तरीके नाल डिस्कस करांगे। BCCI सब तो पहले BCCI इंपोर्टेंट बनता है, हैडक्वार्टर मुंबई दे विच है, सौरभ गांगुली इस दे हैड ने, सौरभ गांगुली इस दे प्रेजिडेंट ने, और सैक्रेटरी की गल करते हैं तो जय शाह इस दे सैक्रेटरी ने, ठीक है जी। इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किस तरीके नाल, बाय क्रिएटिंग लार्जेस्ट जर्सी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सब तो वड्डी जर्सी बनाई इन्होंने, सब तो वड्डी जर्सी डिस्प्ले की नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दे विच, जिथे IPL का फाइनल ऑर्गेनाइज किया गया, IPL का फाइनल ऑर्गेनाइज किया गया। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन IPL दे रिलेटेड पूछा जाएगा, किनवा एडिशन है, यह 15th एडिशन है, इंडिया दे विच ही ऑर्गेनाइज किया गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेडियम्स इसके वेन्यू रहिंदे ने, जिन्हां दे विचों एक रहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, फाइनल इत्थे ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है जी। इसनू किस टीम ने जितया, गुजरात टाइटन्स टीम ने IPL का 15वां एडिशन जितया, ठीक है जी। गुजरात टाइटन्स टीम पहली बार खेली सी IPL दे विच, टोटल 8 टीमां पार्टिसिपेट कर दिया ने, 2 नवीं टीमां बनाई गई सी, गुजरात टाइटन्स और लखनऊ, गुजरात और लखनऊ दी जो नवी टीम सीगियां ये बनाई गई सी, इस बार पहली बार खेलियां सी और गुजरात टाइटन्स ने यह टाइटल जीत लिया, ठीक है जी। इट बिकम्स 7th टीम टू लिफ्ट टाइटल ऑफ IPL इन 15 ईयर्स हिस्ट्री बाय डिफीटिंग राजस्थान रॉयल्स। गुजरात ने केडी टीम नू हराया, राजस्थान रॉयल्स नू हराया और 7वीं टीम बन गई है IPL जीतने वाली, ठीक है जी। 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर दी थी, 2 होर हो गई, यानी कि 10 टीमों के विचों 7 टीम्स ऐसिया ने जो घट्टो घट एक टाइटल जीत चुकी है, ठीक है। मुंबई इंडियंस की गल करते हैं, 5 टाइटल जीते ने इन्होंने, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स 4 जीत चुकी है, तो उसी तरीके नाल एक एक टीम एक एक टाइटल जीत चुकी है, 10 दे विचों 7 टीमां ऐसिया हो चुकी हैं, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स के विच काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इस दे उत्ते काफ़ी मीम्स भी बनते हैं, ऐसी कैरी टीम्स ने जिन्हें ने एक एक IPL भी नहीं जितया, एक एक सीजन IPL का नहीं जितया, ऐसी 3 कैरी टीम्स बाकी ने, एक तो लखनऊ होगी, ईजी हो गया क्योंकि पहली बार खेली सी, पहली बार जीती नहीं है, तो इस करके एक तो 10 दे विच यह टीम होगी, 7 हो चुकिया ने यानी कि 8 टीम्स हो गई, 2 ऐसी कैरी टीम्स बाकी ने जिन्होंने एक भी टाइटल नहीं जितया IPL का। इस तों इलावा प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या बनाए गए, प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जॉस बटलर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन्स तो खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन्स तो खेल रहे थे। इसी दे नाल ओरेंज कैप और पर्पल कैप ये पेट क्वेश्चंस ने IPL दे विचों पूछे जाते हैं। ओरेंज कैप जोस बटलर नू दिती गई, राजस्थान रॉयल्स दे लिए खेल रहे थे, ओरेंज कैप जीती है जोस बटलर ने जो कि राजस्थान रॉयल्स दे लिए खेल रहे थे। पर्पल कैप दिती गई है युजवेंद्र चहल नू जो कि राजस्थान रॉयल्स दे लिए खेल रहे थे, ठीक है जी। IPL का फर्स्ट एडिशन 2008 दे विच ऑर्गेनाइज़ किया गया, पहला एडिशन 2008 दे विच ऑर्गेनाइज़ किया गया। किन्नी बार IPL इंडिया तो बाहर होया, IPL इंडिया तो 3 बार बाहर होया, ठीक है जी। पहली बार 2010 दे विच साउथ अफ्रीका दे विच होस्ट किया गया सी, ठीक है जी। पहली बार इंडिया तो बाहर 2010 साउथ अफ्रीका। इस तों इलावा 2 एडिशन रीसेंट दे 2020 का और
2020 ਦਾ ਔਰ 2021 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਸ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 13ਵਾਂ ਔਰ 14ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਇਲਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ 2021 ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਰਜੀਓ ਪੈਰੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਵੋਨ ਮੋਨੈਕੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ 2022। ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਫਰੋਮ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਮੋਨੈਕੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਸਰਜੀਓ ਪੈਰੇਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ ਸਰਜੀਓ ਪੈਰੇਜ਼ ਮੋਨੈਕੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ। ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਰੈਡਬੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਐਕਸਪੋ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਥਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਬਿਲਿਟੀ ਫੋਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਸ਼ੌਨਕ ਸੇਨਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਲ ਦੈਟ ਬਰੀਦ ਹੈਜ਼ ਵੋਨ ਟੋਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦ ਗੋਲਡਨ ਆਈ ਔਰ ਲਿਓਲ ਡੀ ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਐਟ 75th ਕੇਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਕੇਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ 75ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਮ ਡੀ ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਔਰ ਲਿਓਲ ਡੀ ਔਰ ਅਵਾਰਡ। ਜੋ ਲਿਓਲ ਡੀ ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਆਈ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਲ ਦੈਟ ਬਰੀਦ ਨਾਮ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ੌਨਕ ਸੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਮ ਡੀ ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਰੂਬੇਨ ਔਸਟਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਮ ਡੀ ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਸੈਡਨੈਸ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਮੂਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਸੈਡਨੈਸ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰੂਬੇਨ ਔਸਟਲਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਹੈਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਡ ਚਾਈਨਾ ਟੂ ਬਿਕਮ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਟੋਪ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ 2021-22 ਵਿਦ ਟਰੇਡ ਆਫ $119.42 billion। UAE ਇਜ਼ ਐਟ ਥਰਡ ਪਲੇਸ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਟਰੇਡ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਿਆ USA। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਡ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ USA ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 119 billion ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ 115 billion ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ UAE ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ ਇਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਲੋਕਪਾਲ।
by President Ramnath Kovind replaced Pinaki Chandra Ghosh. India de Lokpal di gal karde haan, Lokpal Act 2014 de vich aaya si. Lokpal India de sige PC Ghosh, Pinaki Chandra Ghosh. Pehle vi kai vaar discuss kite ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ, ਫਾਰਮਰ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਇਨੋਗਰੇਟਿਡ ਆਰੋਗਿਆ ਮੰਥਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਭੋਪਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। आरोग्य मंथन प्रोग्राम है जो भोपाल एमपी दे विच भोपाल मध्य प्रदेश दे विच इनॉगरेट किया गया। इंडिया दे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा इसनु इनॉगरेट किया गया। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जन समृद्ध पोर्टल लॉन्च किया गया। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट दी जो स्कीम्स ने उन्होंने लोगों तक ईजली पहुँचाने के लिए जल्दी पहुँचाने दे लई जन समर्थ आप डिस्कस किया सी प्रगति मीटिंग दे रिलेटेड डिस्कस किया सी। इसनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया है। उसी दे विच फॉलोअप दे विच जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स हैज़ गॉट परमिशन टेक ओवर US ऑटो मेजर फोर्ट मोटर कंपनी प्लांट इन सनंद गुजरात दे विच जो फोर्ड मोटर्स दी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है USA दी कंपनी है। फोर्ड इस दे प्लांट नू टेक ओवर कर रही है, हैंड ओवर कर रही है यह टाटा मोटर्स इसनू कैप्चर कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 7 अप्रैल 1948 बनाया गया। जनेवा स्विट्जरलैंड दे विच हेडक्वार्टर है। टेड्रोस एडनोम रीसेंटली रीअपॉइंट किए गए ने इस दे चेयरमैन। इथोपिया तो बिलोंग करते हैं और अफ्रीकन कंट्री तो बनाए हुए पहले ऐसे चेयरमैन या प्रेसिडेंट। ठीक है जी। WHO ने की अनाउंस किया कि वर्ल्ड का नो टबाकू डे अवार्ड है। जो वर्ल्ड नो तबाकू डे अज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। कल दे सेशन दे विच डिस्कस भी करांगे। इस दे लई जो अवार्ड है झारखंड नू सिलेक्ट किया गया WHO दा वर्ल्ड नो तबाकू डे अवार्ड दिता जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है टेस्ला दे CEO ने एलन मस्क हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट हाईली कंपनसेटेड CEO लिस्ट है जो इस दे विच टॉप किते टेस्ला दे CEO एलन मस्क द्वारा। ठीक है जी। दूसरे नंबर ते इस दे विच एप्पल दे CEO टिम कुक रहे ने और तीसरे नंबर ते नवीडिया कंपनी है जो इस दे CEO जेंसन हुआंग इस तीसरे नंबर ते रहे। नेक्स्ट है इंडियन नेवी हैज़ डीकमिशनड थर्ड शिप ऑफ गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल्स INS गोमती। इंडिया का एक नेवल शिप है, इसनों डीकमिशन कितने किया गया मुंबई दे विच। दो चीज़ा बनन गया कि केड़े शिप नू रिसेंटली डीकमिशन किया गया INS गोमती, कितने डीकमिशन किया गया मुंबई दे विच नेवल डॉकयार्ड मुंबई दे विच। इसनों 1988 दे विच काम ते लगाया गया सी, कमिशन किया गया सी इंडियन नेवी द्वारा और मैजागोन डॉक लिमिटेड द्वारा इसनों डेवलप किया गया सी बनाया गया सी। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा अप्रूव किया गया प्रपोजल ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू डिफेंस एस्टेट सर्कल्स फॉर देहरादून उत्तराखंड।
देहरादून उत्तराखंड दे विच डिफेंस दे डिफेंस दे रिलेटिड नवीं बिल्डिंग्स बनाईया जाएगियां। इस दी प्रपोजल नू एक्सेप्ट किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोकसभा MP लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोकसभा MP। नेक्स्ट दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट निगाह, प्रोजेक्ट निगाह एट गुरुग्राम विद एन एम टू ट्रैक कंटेनर बाय यूजिंग कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल। जो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स होंगे ने ट्रक्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं या शिप्स के यूज़ किए जाते हैं, उन्हां शिप्स नू ट्रैक करन दे लई, उन्हां शिप्स नू ट्रैक करन दे लई प्रोजेक्ट निगाह गुरुग्राम दे विच लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट निगाह गुरुग्राम दे विच लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट, वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट इनॉग्रेट किया गया गांधीनगर गुजरात दे विच। गांधीनगर गुजरात दे विच वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट नू इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह द्वारा इनॉग्रेट किया गया नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बायोटेक पार्क एट कथुआ उत्तर प्रदेश, सॉरी कथुआ जम्मू कश्मीर, कथुआ जम्मू कश्मीर दे विच राव इंद्रजीत सिंह द्वारा, राव इंद्रजीत सिंह द्वारा, सॉरी ऐसे बाय मिस्टेक आई थिंक राव इंद्रजीत सिंह की जगह जितेंद्र सिंह आएगा, जितेंद्र सिंह आएगा क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने और उधमपुर जम्मू कश्मीर तो लोकसभा MP ने, उधमपुर जम्मू कश्मीर तो लोकसभा MP ने इन्हों द्वारा नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक पार्क इनॉग्रेट किया गया सी कथुआ जम्मू कश्मीर दे। इंडियाज फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल, इंडिया का पहला लैवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर दे विच इनॉग्रेट किया गया। लैवेंडर फेस्टिवल है जो जम्मू कश्मीर दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। बांग्लादेश, बांग्लादेश इज नेम्ड एज फोकस कंट्री इन 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो इस दा 17th एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस दे विच बांग्लादेश नू फोकस कंट्री डिक्लेयर किया गया, बांग्लादेश नू फोकस कंट्री डिक्लेयर किया। ठीक है जी। नेक्स्ट पंजाब चीफ मिनिस्टर, पंजाब दे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान द्वारा नॉमीनेट किए गए ने दो परसनस एज ए राज्यसभा मैंबर, दो परसनस नू राज्यसभा मैंबर दे लई नॉमीनेट किया गया है बलबीर सिंह सचदेवा, सचेवाल, बलबीर सिंह साचेवाल और विक्रमजीत सिंह सानी, विक्रमजीत सिंह सानी, ये दो नाम इंपोर्टेंट बनेंगे रिसेंटली पंजाब तो राज्यसभा मैंबर दे लई नॉमीनेट किए गए। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू फॉर्म 5 मेंबर कमेटी टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ रंजना देसाई, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई। इंपॉर्टेंट बनेगा कि किस स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगान दी या लागू करन दी अनाउंसमेंट की है, इंप्लीमेंट करन दी अनाउंसमेंट की है उत्तराखंड। गोवा दे विच यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो किया जाता है, उत्तराखंड दे विच भी इसनू लागू किया जाए। ठीक है जी। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर कमेटी के चेयरमैन इंपोर्टेंट बनेंगे, रंजना देसाई जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। अज दे लई बस इन्ना ही, आई होप सानू सैशन पसंद आया होएगा, सैशन नू लाइक और शेयर जरूर करते रहो जिथे भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन, गुड बाय।